अब मैं वाकई में सुधर गया हूँ सर। मुझ पर विश्वास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो राणा डाकू है, लेकिन ये साईं के साथ क्या कर रहा है? कौन है? ए, रुक! कहीं ये बैरागी पागल तो नहीं हो गया? एक डाकू को अपने साथ लेकर जा रहा? साई, प्रणाम साई। राम जी भला करे। इतना तेज भाग कर क्यों आ रहे हो दादा? आप ही से मिलने आया था। आई पापा औरंगाबाद गए हैं किसी शादी में शामिल होने के लिए। आई ने ये लड्डू आपके लिए भेजे और कहा है कि आप अपना ध्यान रखना और खाना समय से खा लेना। भाईजामा चाहे कहीं भी जाए लेकिन उनका ध्यान यहीं रहता है, और जैसे ही उनकी जरूरत पड़ती है वो तुम्हारे बाबा को लेकर फौरन यहाँ पहुंच जाती है, है ना जी? अच्छा सुनो तात्या, तुम भी अपना ध्यान रखना। ठीक है साई। साई अभी मैं चलता हूँ, आज ही घर पे अकेली है, वो मेरी चिंता कर रही होगी। ये तो वो राणा डाकू है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो राणा? डाकू लुटेरे जो करते हैं वही करने आया होगा। देखो इसके पास खंजर है, ये जरूर साईं को मारने आया था। ये क्या रहे हो? मारो इसे! रुको! अपने किए की सजा इसे मिल चुकी है, इसने दंड भोगा है, प्रायश्चित किया है इसने। जिस तरह सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो डसता ही है, उसी तरह दुष्ट की प्रवृत्ति कभी बदल नहीं सकती। कौन? मैं हूं राणा। वो छुपाने से मनोदशा नहीं छुपती बल्कि और प्रत्यक्ष हो जाती है। क्या हो गया भगवान, ये पूरे घर को अस्त व्यस्त क्यों कर दिया तुमने? वो मेरा सोने का हार नहीं मिल रहा जी। क्या? साईं, मैंने अपने अपराधों का, गुनाहों का, बुरे कर्मों का फल भोगा, सजा काटे, लेकिन फिर भी मैं लोगों की नजरों में अपराधी हूं। मेरे प्रति लोगों की सोच नहीं बदली। तुमने पश्चाताप अपने अंतर्मन की शांति के लिए किया था या संसार के लिए? ये समाज, ये संसार, ये तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं इस पर तो तुम्हारा नियंत्रण नहीं हो सकता।
लोगों की तुम्हारे बारे में क्या मानसिकता है, वो किस नजरिए से तुम्हें देखते हैं, ये तुम्हारे वश में नहीं है राणा। पर हां, ये तुम्हारे वश में अवश्य है कि तुम खुद को किस नजर से देखते हो, किस दृष्टि से देखते हो, क्योंकि कई बार लोग भी फिर तुम्हें उसी दृष्टि से देखते हैं। लो, राणा, अगर तुम्हें यह विश्वास है कि तुमने अपना पश्चाताप पूरा कर लिया है, तो ये संसार, ये दुनिया भी तुम्हें क्षमा कर देगी, तुम्हारे इस नए बदले स्वरूप को स्वीकार करेगी। पर अगर तुम्हें खुद पर ही विश्वास नहीं है कि अब तुम अपराधी नहीं हो, तो लोग भी तुम्हें अपराधी ही समझेंगे। आखिरी बार कहाँ देखा था तुमने हार? कल मैं यहीं बैठकर हार साफ कर रही थी और मुझे अच्छे से याद है, सफाई के बाद मैंने उसको वहीं बक्से में रख दिया था। बक्से में रख दिया था? तो कौन ले जा सकता है? वही तो समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैं कितना भी प्रयास करूं साईं, मेरा अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ता। क्यों साईं, क्यों? तुम्हें पछतावा है, तुम सजा भी काट चुके हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो कि तुमने अपने अतीत में ऐसे काम किए हैं। जानते हो राणा, तुम खुद से भाग रहे हो, अपने परिवार से भाग रहे हो। अपने अतीत से भाग रहे हो। जिस दिन तुम अपने अतीत को स्वीकार कर लोगे, तुम्हें पूर्ण शांति मिल जाएगी। कई बार हमारा अतीत हमसे सिर्फ ये चाहता है कि हम उसे स्वीकार कर लें। जब हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो वो हमारा पीछा करना छोड़ देता है। इसलिए भागो मत राणा, ठहर जाओ, स्वीकार करो। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओ साई, ओ साई, ओ साई, ओ साई, ओ साई, ओ साई,
साईं, आपने बिल्कुल सही कहा। अब मैं वापस घर जाऊंगा, अपने परिवार के पास, अपने परिवार को देखे और उनसे मिले एक अरसा हो गया है। आज से तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे पहले लोग तुम्हें क्या कहते थे, आज से तुम राणा हो, सिर्फ राणा। कौन है? कौन है? ए, रुक! बैसी ली आया होगा। किसकी बात कर रहे हैं आप? राणा डाकू, उसी ने चुराया है तुम्हारा सोने का हार। प्रणाम साईं। साईं देखिए ना, ये कम सब्जी तोल रहा है। मैं दावे से कहता हूँ कि ये बेईमानी कर रहा है। मैं रोज सामान लेता हूँ, मुझे वजन का पूरा अंदाजा है। आधा शेर में कम से कम 7-8 प्याज चढ़ते हैं, और देखिए ना, इसके तराजू में केवल 4 ही प्याज चढ़ रहे हैं। अब आप ही बताइए साईं, क्या आपको ये आधा शेर लगता है? साईं, मेरे इस आदमी से क्या दुश्मनी है जो मैं इसके साथ बेईमानी करूंगा? अगर इसे मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं आपके सामने दोबारा वजन करके दिखाता हूं। ये देखिए, मैं आपके सामने कर रहा हूं। देखिए साईं, पूरा आधा शेर है। ये कैसे संभव है? तुम्हारा बटकरा तो सही है ना? अरे तुम्हें भ्रम हो गया है साईं, आप ही इसे समझाइए। हम एक दूसरे को बेहतर तभी समझ सकते हैं जब हम खुद अपने आप को दूसरे की परिस्थितियों में रखकर देखें और फिर सोचें। ठीक कहा ना मैंने? तो तुम एक काम करो, थोड़ी देर के लिए इनको दुकानदार बना दो और तुम ग्राहक बन जाओ। जब ये अपने हाथ से सब्जी तौलेंगे, उसका वजन करेंगे, तो इन्हें खुद ही सच्चाई का पता चल जाएगा। अगर आप कह रहे हैं तो साईं ठीक है, अगर ऐसा करने से इसे समाधान मिल सकता है तो ऐसा भी करके देख सकते हैं। अब ऐसा करो, इसी तराजू से आधा शेर प्याज तुम तौल कर देखो। Oh,
और चढ़ाओ। अभी आधा सिर नहीं हुआ। रुक जाओ, ऐसे कैसे हो सकता है साईं? इसमें तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। ये सब्जी का वजन तो कम से कम डेढ़ सिर होना चाहिए और अभी तो यहां आधा सिर भी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। आइए सरकार, आइए, आपका इंतजार था। हरिओम हरिओम। मुझे इंसाफ चाहिए सरकार, मेरे साथ न्याय कीजिए। हरिओम हरिओम, अवश्य न्याय देंगे, लेकिन पहले बताइए अभियुक्त कहाँ है? लेके आओ उसे। छोड़ दो मुझे। अरे हजार बार कह चुका कि मैंने चोरी नहीं की, तो क्यों लाए मुझे यहाँ? डाकू राणा, अरे हर अपराधी यही कहता है राणा कि मैंने अपराध नहीं किया है, लेकिन तुम्हारा इतिहास, तुम्हारा भूगोल सब जानते हैं। तुम कोई राजा हरिश्चंद्र तो नहीं हो, है कि नहीं? तो विस्तार से बताइए क्या किया है इसने? कुकड़ी सरकार, कल मेरी पत्नी ने तिजोरी खोलकर अपना सोने का हार निकाला साफ सफाई करने के लिए। हाँ, आज जब हमने तिजोरी खोली तो हार उसमें था ही नहीं। अरे हमने पूरा घर छान मारा, पूरा घर में ढूंढ लिया, लेकिन हार मिला ही नहीं। संयोग से हमने कल ही राणा को अपने घर की खिड़की से अंदर ताक झांक करते हुए देखा था। हम सब जानते हैं कि राणा डाकू है। और इसके शिरडी में प्रवेश करने के दूसरे ही दिन मेरे घर में चोरी हो गई। लेकिन राणा अभी अभी सजा काट के आया है, वो ऐसा काम क्यों करेगा? अरे कुत्ते की पूंछ को 12 साल नली में रखोगे ना, तो भी वो टेढ़ी ही रहेगी। चोर डाकू अपनी आदत से बंकते। खंडू जी, जब राणा पर साई भरोसा कर रहे हैं, तो मैं नहीं मान सकता हूं कि राणा ने चोरी की होगी। सरकार, मैंने चोरी नहीं की, मेरा यकीन मानिए, मैंने ये बुरे काम छोड़ दिए। सेठ गंगाराम जी को शायद कुछ गलत फहमी हुई है। हाँ, ये बात सच है। कल साईं की तलाश में मैं पूरे गांव में भटक रहा था। उसी दौरान मैं सेठ गंगाराम जी के घर के यहां से गुजरा तो कुछ बातें सुनाई दी, और बातों ही बातों में मुझे पता चला कि शनि मंदिर में पूजा है। मैंने सोचा साईं वहीं मिलेंगे, और मैं शनि मंदिर आ गया जहां मुझे साईं मिले।
शनि मंदिर में साई के साथ में द्वारका माई आ गया और फिर द्वारका माई छोड़ के मैं कहीं गया ही नहीं। झूठ बोल रहा है यह सरकार। अरे ओ, मुझे आरंभ से ही उस फकीर पे संदेह रहा है। तू क्या चाहता है राणा, मैं तुम पर विश्वास करूं कि तू उसके साथ खंडर में था और वो तुम्हारी निर्दोषता की गवाही दे? ये तो वही बात हो गई कि भूत का गवाह प्रेतात्मा। इस तरह तो राणा को कभी न्याय नहीं मिलेगा। मुझे कुछ करना होगा। सरकार, मैं सच कह रहा हूं, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने कोई चोरी नहीं की है। पर गड़बड़ कैसे हो सकती है? इसने तो तुम्हारे सामने ही सब्जियां तोली हैं। और अभी थोड़ी देर पहले तुमने खुद कहा था कि तुम्हारे तराजू और बटखरे में कोई दोष नहीं है, कहा था ना? हाँ, वो तो मुझे लगता है तुमने जरूर मेरे तराजू के साथ कुछ हेरफेर की। हेरफेर? भला ये हेरफेर कैसे कर सकता है? अभी तुम्हारे हाँ कर देने पर ही वो तुम्हारी जगह पर जाकर बैठा है। हाँ। और अगर इसने कोई हेरफेर की होती तो तुम्हें तुम्हें पता चली जाता, क्योंकि तुम्हारे सामने ही तो गया है वो। हाँ, आपकी बात भी सही है। पर अगर फिर भी तुम्हें कोई संदेह है तो तुम खुद जांच कर देख लो। चुंबक तो मैंने सामान वाले पलड़े के नीचे सटाया था, ये इस पलड़े के नीचे कैसे आ गया? क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? क्या तराजू में कोई समस्या है या बटखरे में दोष है? पर याद रहे, इससे पहले तराजू और बटखरे को केवल तुम ही छू सकते थे, दूसरा कोई नहीं। मुझे पता चल गया साईं, मुझसे क्या हुआ था। मुझे सबक सिखाने के लिए आपका ये अनूठा तरीका था। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, मुझे माफ कर दीजिए साईं। मुझ में लालच आ गया था, इसलिए मैं तराजू के पलड़े के नीचे चुंबक सटाकर लोगों को ठग रहा था। लेकिन मैं वादा करता हूं साईं, भविष्य में ऐसा काम मैं दोबारा नहीं करूंगा। जो वस्तुएं तुम बेच रहे हो इन्हें केवल धन बनाने का साधन मत समझो, क्योंकि ये मनुष्य के जीवित रहने के लिए उनकी अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक है। इसे खाकर लोग अपना पेट भरते हैं। जो व्यवसाय तुम कर रहे हो वो कोई साधारण व्यवसाय नहीं है। अपने व्यवसाय के द्वारा तुम लोगों को उनके जीवित रहने के लिए अनिवार्य साधन उपलब्ध करा रहे हो। पेट भरने के लिए मनुष्य कठिन परिश्रम करता है, बहुत कठिन परिश्रम, और तुम उसकी इस आवश्यकता का गलत लाभ उठा रहे हो। ये ठीक नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, चाहे तुम कितनी ही चतुराई से लोगों को धोखा दे लो, फूल झोंक लो उनकी आंख में, लेकिन एक न एक दिन सच सामने आ ही जाता है, क्योंकि सच उस सूरज की तरह है
जिसे झूठ का बादल थोड़ी देर के लिए ढक तो सकता है परंतु हमेशा के लिए नहीं छुपा सकता। जी सर, मैं आपकी ये सीख हमेशा याद रखूंगा और मैं हमेशा अपना काम ईमानदारी से करूंगा। भाई मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। हरिओम, किसी का भी पक्ष लेने वाला इंसान नहीं हूं मैं। निर्णय देने से पहले तुम्हें अपनी निर्दोषता सिद्ध करने का अवसर देना चाहता हूं मैं। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू अतीत में क्या था। सब जानते हैं कि मेरा बेटा लंदन में पढ़ता है। कहां? लंदन में। और वहां विदेश में साक्ष्य के आधार पर दोनों पक्षों की बातें सुनने के पश्चात ही निर्णय दिया जाता है, न्याय दान किया जाता है। हमें दूसरों के अच्छे गुणों को स्वीकार करके जीवन में उतारना चाहिए और इसीलिए आज शिरडी में भी न्याय उसी आधार पर होगा। तुम्हें भी अवसर मिलेगा अपनी निर्दोषता सिद्ध करने का। हरिओम। इसलिए अपनी निर्दोषता सिद्ध करो और गर्व से सिर उठाकर यहां से जाओ। क्या सिद्ध कर सकते हो तुम? साई, साई, साई जल्दी चलिए, राणा को कुलकर्णी सरकार के आदमी चोरी के जुर्म में उठाकर चावड़ी ले आए। चलो। क्या तुम्हारे पास अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए कुछ नहीं है? सरकार, मैं पहले ही बोल चुका हूं, मैं द्वारका माई में था, मैं वहां से कहीं गया ही नहीं। हरिओम हरिओम। अर्थात अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए तुम्हारे पास कोई साक्ष्य नहीं है राणा। ये तो बहुत बुरा हुआ राणा। राणा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि विलायत में, विदेश में अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए अवसर दिया जाता है और यदि अभियुक्त अपनी निर्दोषता सिद्ध करने में असफल रहा तो उसे कड़े से कड़ा दंड भी दिया जाता है। सरकार, वहां चोरों को क्या दंड देते हैं? क्या देते हैं दंड? बताता हूं। चोरी करने वालों के ऊपर खौलता हुआ पानी डाल देते हैं। जाओ बड़े पतीले में पानी गरम करो। आज यहां चावड़ी के बाहर सबके समक्ष अपराधी राणा को दंडित किया जाएगा उसके अपराध के लिए। हरिओम। सरकार, ये अन्याय। मैंने कोई अपराध नहीं किया सरकार। ले जाओ इसे बाहर। सरकार, रुकिए सरकार,
किसी को भी संदेह के आधार पर सजा देना न्याय नहीं है, अपराध है। संदेह नहीं महासभापति जी, मैंने और मेरी पत्नी ने खुद अपनी आंखों से राणा को अपने घर में ताक झांक करते हुए देखा था। इससे ज्यादा सबूत और क्या चाहिए? वो सोने का हार, जब तुम लोग राणा को पकड़ने के लिए गए थे तो मुझे पूरा यकीन है तुमने उस हार को हासिल करने के लिए उस जगह का चप्पा चप्पा छान मारा होगा, है ना? क्या तुम्हें वो हार मिला वहां? नहीं, हमने राणा की पूरी तलाशी ले ली, खंडर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन सोने का हार कहीं नहीं मिला। आप साबित क्या करना चाहते हैं महासभापति जी? हो सकता है इसने हार कहीं छुपा दिया हो। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं गंगाराम जी, अगर राणा अपनी निर्दोषता साबित नहीं कर पा रहा है तो उसका अपराध भी सिद्ध नहीं हो रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं गंगाराम जी, क्या आपने राणा को अपने घर चोरी करते हुए देखा था? नहीं, राणा को आपने अपने घर के बाहर देखा था, और बस इसके अतीत के आधार पर आपने इस पर संदेह करना शुरू कर दिया, है ना? बोलिए, चुप क्यों है? बोलिए। बस बस, देख रहा हूं आजकल बहुत बोलने लगे हो तुम मालसापति। मेरे विरुद्ध बोलने का साहस कैसे आ गया तुम्हें? मैं आपके खिलाफ नहीं हूं सरकार, और ना ही मैंने आपकी शान के खिलाफ एक भी शब्द कहा है। हां, लेकिन इस गलत फैसले के खिलाफ हूं मैं, उस गलत फैसले के खिलाफ बोल रहा हूं मैं और बोलूंगा। क्योंकि साई ने हमें सिखाया है कि अन्याय का विरोध करना चाहिए। सत्य के लिए हमेशा लड़ना चाहिए, और वही मैं कर रहा हूं सरकार, और करता रहूंगा। हरिओम। मुझे पहले समझ जाना चाहिए था गंगाराम जी, लोगों को भड़काने वाला, अपराधियों को संरक्षण देने वाला दूसरा तीसरा कोई नहीं है, ये पाखंडी साई है। दोषी को दंडित करने से पहले ये ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए कि किसी भी निर्दोष को सजा ना मिले। ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही न्याय का मूलभूत सिद्धांत है। अब तो सिखाएगा मुझे मुझे क्या करना और क्या नहीं? यहां पे जितने लोग उपस्थित हैं ना, उन सब का ज्ञान अगर मिलाया जाए तो भी मेरा ज्ञान अधिक ही होगा। विधि न्याय तर्कशास्त्र का अध्ययन किया है मैंने। आपकी विद्वत्ता पर मुझे जरा भी संदेह नहीं है। मैं तो बस केवल ये निवेदन करना चाहता हूं कि राणा को सजा देने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि राणा असली अपराधी है भी या नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों को यह लगता है कि आपके न्याय में कमी है।